दोस्तों, यदि आप भी आगरा का ताजमहल देखने के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप आगरा का ताजमहल तभी देख पाएंगे जब आप एक वैलिड टिकट बना लेंगे, क्योंकि आगरा के ताजमहल को देखने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है और उस टिकट को आप 3 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब आप आगरा ताजमहल देखने के लिए उसके गेट के पास जाएंगे, जहाँ से चेकिंग करके एंट्री किया जाता है, तो गेट के बगल में ही टिकट काउंटर बना है, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं। लेकिन काउंटर पे काफ़ी भीड़ होती है, तो आप भीड़ से बचने के लिए और अपना समय बचाने के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और ताजमहल के लिए टिकट बुक करने का दूसरा तरीका ये है कि वहीं गेट के बगल में ही बड़ा बड़ा QR कोड का बैनर टंगा है, उस QR कोड को स्कैन करके भी आप ताजमहल का टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि जहाँ पे गेट बना हुआ है वहाँ पे नेटवर्क बहुत ही कमज़ोर है, नेटवर्क बहुत ही वीक है। तो यदि आप ताजमहल के गेट पे जाकर टिकट बुक करने के बारे में सोचेंगे तो बुक नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा यही रहेगा कि अगर आप ताजमहल गेट के पास जाने से पहले ही ताजमहल का टिकट अपने मोबाइल से ही बुक कर लें। तो आज मैं आप लोगों को ताजमहल का टिकट बुक करने का तीसरा तरीका बताऊंगा, जो कि सबसे बेस्ट है। तो अपने मोबाइल से ताजमहल का टिकट बुक करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ से सिटी सेलेक्ट करना है, तो सिटी में आगरा है, हम यहाँ पे आगरा ही रहने देंगे। नीचे दिया है मोमेंट्स और यहाँ लिखा है सेलेक्ट मोमेंट, इसमें हम क्लिक करेंगे। आगरा में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ के लिए टिकट चाहिए, उन सभी जगहों का यहाँ से आप टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ताजमहल का टिकट बुक करना है, तो इसके लिए यहाँ सबसे नीचे में दिया है ताजमहल, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम ताजमहल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, कौन सी डेट में आप ताजमहल देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ आज ही का डेट, जो कि है 16। डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिया है विजिट टाइम, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो टाइम दिया होता है, फोरनून आफ्टरनून। यदि आप फोरनून को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टिकट बुक होगा वो टिकट दोपहर के 12 बजे तक ही वैलिड होगा। यदि आप 12 बजे के बाद ताजमहल देखना चाहते हैं तो आपको आफ्टरनून सेलेक्ट करना है। जैसे कि यदि आप आफ्टरनून टिकट बुक करते हैं तो दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक वो टिकट आपका वैलिड रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ से आफ्टरनून को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन और हैं, यदि आप केवल ताजमहल देखना चाहते हैं तो आपको इस पहले वाले को सेलेक्ट करना है, तो इसका प्राइस बहुत ही कम होगा। और यदि आप ताजमहल के साथ साथ ताजमहल के अंदर मकबरा को भी देखना चाहते हैं तो आपको इस दूसरे वाले को सेलेक्ट करना है, जिसका प्राइस होता है लगभग 250 रुपया। हालांकि मुझे केवल ताजमहल देखना है, इसलिए मैं ताजमहल ओनली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है प्रोसीड, हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज चेंज हो जाएगा, पेज को हम नीचे खिसकाएंगे तो यहाँ सबसे फर्स्ट में नेशनलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यदि आप इंडियन हैं तो इंडियन को सेलेक्ट करना है, फॉरेनर हैं तो इसे सेलेक्ट करना है। हालांकि मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं इंडियन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पेज को ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ दिया है सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ विजिटर, एक बार में आप 5 लोगों का टिकट बुक कर पाएंगे। यहाँ दिया है इंटर ईमेल, तो यहाँ पे हमें अपना एक ईमेल आईडी डालना है जो कि वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपका टिकट PDF फॉर्मेट में पहुँचेगा। यहाँ दिया है एडल्ट 1, जिसके भी नाम से हम टिकट बुक कर रहे हैं उसका यहाँ पे हमें नाम लिख देना है, और नीचे में यहाँ पे चाइल्ड का नाम लिख देंगे। नीचे दिया है सिलेक्ट आईडी, तो यहाँ से हम आईडी सिलेक्ट करेंगे। आईडी के रूप में यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड। यदि आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है, आपके पास दूसरा आईडी कार्ड है जैसे कि आधार कार्ड, तो आपको अदर में क्लिक करना है। जो आपके पास आईडी प्रूफ है जैसे कि आधार कार्ड,
तो उसका यहाँ पे नंबर डाल देना है। तो देखिए एडल्ट में वन है, चाइल्ड में वन है, तो एक व्यक्ति का यहाँ पे टोटल 45 रुपये लग रहा है। यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो आपको सभी व्यक्तियों का आईडी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ऐड एडल्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो उसी में एक एक करके ऐड होता जाएगा। जैसे कि हमने 3 एडल्ट कर दिया तो यहाँ पर टिकट का प्राइस हो गया 45 गुणे 3 बराबर 135, यानी टोटल 135 रुपया देना पड़ेगा। हालांकि मुझे एक ही लोगों का टिकट बुक करना है, इसलिए मैं 2 एडल्ट को हटा देता हूँ। तो देखिए टिकट का प्राइस हो गया 45 रुपया, हालांकि यहाँ पे अभी भी 135 हो रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। जब हम प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो ये 135 हट जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा 45। तो चलिए प्रोसीड टू पे इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पर आ गया चूज ए पेमेंट ऑप्शन, टोटल पेमेंट 45 रुपया। पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ पेमेंट करने के कई ऑप्शन हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों के पास एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड होता है, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करूँगा। आप चाहें तो वॉलेट से, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। चलिए मैं डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ जो एरो बना है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने डेबिट कार्ड के नंबर को डालेंगे, यहाँ पर डेबिट कार्ड का एक्सपायर डेट, डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर, और वो डेबिट कार्ड किसके नाम से है उसका नाम यहाँ पर डालना है। डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल डालने के बाद पेज को थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ लिखा है प्रोसीड, हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे डेबिट कार्ड जिस बैंक अकाउंट का है उस बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालकर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर बार लिखा आता है अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपका टिकट बुक हो चुका है, बस आपको अपने मोबाइल को 2 बार बैक करना है। देखिए एक बार बैक करेंगे तो इस तरह का आएगा, फिर से एक बार बैक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया पेमेंट सक्सेसफुल, ये है अमाउंट 45 रुपया। पेज को थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड ई टिकट, तो बुक किए हुए ताजमहल के टिकट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर टू डाउनलोड ई टिकट इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो टिकट बुक किया है उस टिकट का पूरा डिटेल मोबाइल के स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं टिकट टाइप है एडल्ट, उसका फीस है 35 रुपया, टैक्स है 10 रुपया, यानी टोटल हो गया 45 रुपया। यहाँ पर क्यूआर कोड दिया है, पेज को और ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ पर टिकट की वैलिडिटी है, जारी डेट तथा ये टिकट कब से कब तक वैलिड है, ये देखिए 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। जिसके नाम से टिकट है उसका नाम यहाँ पे है, यह है आईडी कार्ड नंबर। जितने लोगों का टिकट बुक होगा उन सभी लोगों का टिकट एक ही टिकट में होगा। इस पेज को जब आप ऊपर खिसकाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक और टिकट आ गया है जो कि चिल्ड्रेन का है, इसका पैसा यहाँ पे नहीं लगा है। वैलिडिटी वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और आईडी नंबर फर्स्ट पर्सन का दिया होगा, जो पहला व्यक्ति होता है उसी का आईडी नंबर सभी के टिकट में दिया होगा। और इस टिकट का पीडीएफ फॉर्मेट जो आपने मेल आईडी दिया है उस मेल आईडी पे भी पहुंच गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी ताजमहल का टिकट अपने मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।